नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश संदल। मैं हूं एक ऑर्थोपेडिशियन और एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट नीलम हॉस्पिटल राजपुरा। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है घुटनों का दर्द। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इस प्रॉब्लम के जो चिन्ह होते हैं उसमें घुटनों में दर्द रहना, चलने फिरने में दिक्कत आना, घुटने टेढ़े हो जाना, मोड़ने में उसमें से घुटना मोड़ने पर उसमें से आवाज़ आना, ये सब उसके चिन्ह हैं। पर ये एक इलाज योग्य बीमारी है। अर्ली स्टेजेस में घुटनों के घिसने के अर्ली स्टेजेस में हम उसको दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और अपने जीवन में कुछ सुधार लाकर, जैसे कि अपना वज़न घटाकर या कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करके, जैसे कि घुटनों के बल ना बैठना, चौंकड़ी कम मारना, इन सब से उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। पर एक स्टेज के बाद जब ये बीमारी काफ़ी एडवांस हो जाती है तब हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसकी सर्जरी एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है इन इंडिया। इसमें आप सर्जरी के नेक्स्ट डे ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन का बहुत ही कम चांस है।